रहमानिरहीम। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। दैट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। ओके, बोर्ड के लिए बड़ा ही अहम जो चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग जो है पेपर के अंदर आता है, शॉर्ट और एमसीक्यूज तो हर चैप्टर में से आते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनवायरनमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एनवायरनमेंट क्या है? जानदार के इर्द गिर्द जो भी चीज है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, वो चीज मिलकर क्या बनाती है? एनवायरनमेंट। ठीक है। और जब हम मैन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। जब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? इकोलॉजी। ठीक है जी। इकोलॉजी का मतलब ही क्या है कि जिसके अंदर एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो इंट्रक्शन है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है हमारा जी? इकोलॉजी। अब देखो एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर हम किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल फैक्टर से। जो फिजिकल है इसकी उसको हम बोलते हैं एबायोटिक, और जो दूसरी है बायोलॉजिकल उसे कहते हैं बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स। एबायोटिक क्या है? जैसे हीट, लाइट, टेम्परेचर, एयर एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम देखेंगे जी, तो सबसे पहले लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाई जब हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से दर्जात को देखे जाते हैं? भाई इसकी रेंज बहुत वाइड है। वाइड रेंज से क्या मुराद है? ये जानदार से शुरू होता है और कहां पे फिनिश होता है? लेवल बायोस्फीयर पे। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिज्म क्या है आपको पता है? ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनि सेलुलर भी हो सकता है, और बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं ये ऑर्गेनिज्म। अब स्पीशीज आपको पता ही है, जब एक ही जानदारों का ग्रुप बिल्कुल डिस्टिंग्विश ग्रुप होता है जिसके अफराद आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे ही जानदार पैदा कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन इंसान, मैन, ठीक है जी, जैसे शीप एक्सेट्रा, ये क्या है? स्पीशीज है। स्पीशीज जब जहां पे रहती हैं उस लोकेशन को, उस जगह को, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं जी हैबिटेट, मस्कन। ठीक है, जैसे हम घरों में रहते हैं हाउस, ठीक है, जैसे बर्ड जो है वो नेस्ट में रहते हैं तो उसका क्या कहलाएगा? हैबिटेट। अब उसके बाद आती है पॉपुलेशन। भाई जब सेम स्पीशीज के डिफरेंट अफराद एक ही स्पीशीज के अफराद सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, और सेम टाइम सेम स्पेस और सेम हैबिटेट में रहना शुरू हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन। अब जब पॉपुलेशन जो है वो आपस में क्या करती है जी? इंट्रैक्शन, डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है जी, जैसे ह्यूमन ये इंट्रैक्ट करता है दूसरे से, प्लांट से, एबायोटिक फैक्टर से, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है, जैसे फॉलन लॉग, एक गिरा हुआ लॉग है तो उसके नीचे क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, छोटी बहुत मोसेस, फर्न वगैरह हो सकती है। एक फॉरेस्ट जो है वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है जिसके अंदर देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके वाइल्ड लाइफ तक, वाइल्ड प्लांट्स, क्या है, ठीक है जी, इंसेक्ट्स, एवरी टाइप्स ऑफ द जो स्पीशीज है वो प्रेजेंट होगी, पॉपुलेशन पाई जाएगी। ठीक है, तो कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है इंट्रैक्शन, इसके ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो वही है बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बनता है। जो एबायोटिक फैक्टर है वो चेंज हो तो वो बायोटिक के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जंगल के अंदर आग लग गई तो उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या हो सकती है? तबाह बर्बाद हो सकती है। अब इकोसिस्टम जो है बेटा जी, जब डिफरेंट कम्युनिटी मिलती है तो कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जैसे एक ये पूरा एक स्कूल है, इसके अंदर क्या है? ये इकोसिस्टम है। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होगा जी? एक पौंड है मेरे पास, पौंड के अंदर आपको पता है क्या क्या हो सकती है? फिशेज हो सकती हैं, ठीक है, फ्रॉग हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एल्गी वगैरह हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा, और चीजें, उसके अलावा आपका वाटर, ठीक है जी, और उसके बाद हीट फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर जाहिर है सूर्य से आएगा तो चेंज होगा। तो ये सारे का सारा क्या बन गया है? इकोसिस्टम। जब कम्युनिटी मिलती है तो मिलकर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाती है, एक खासकर उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जांपल दी,
इसके अलावा आपका और इकोसिस्टम है एक, जैसे इक्वेरियम, जिसके अंदर आपने देखा होगा ऐसे बॉक्स बनाता है जिसके अंदर फिशेस वगैरह डाली जाती हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक, और एक शीशे का रूम बना होता है, वो हमने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद होती है बायोस्फीयर, इसे जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है भी, जब इकोसिस्टम आपस में मर्ज हो जाते हैं तो मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो देखो जानदार से कहां तक है, बायोस्फीयर ये एक्सटेंड होती है मुख्तलिफ जहां पे भी लाइफ, जमीन का वो वाला हिस्सा टुकड़ा, जैसे ये लाइफ जमीन है तो इसके ऊपर ये जो हिस्सा सारे का सारा, जहां भी लाइफ पाई जाएगी, जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, वो जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जो 20 किलोमीटर तक ठीक क्या फैली हुई है। क्या मतलब, ये जो ओशन है, जो ओशन का जैसे ये हो, ये ओशन का जो फ्लोर है और ये बड़ी सबसे छोटी है हाइट है, ठीक है, किसकी हाइट, जो माउंटेन है वहां तक जो फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं जी, आपका बायोस्फीयर, ठीक है। अब बायोस्फीयर जो है, समझाई बात की, ये ऐसे ही मिसाल है कि ये हमारे पास ये एप्पल है और ये एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी, अर्थ को, ठीक है जी, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो अर्थ, इसकी जो पेरिकॉर्प है जिसको स्किन बोलते हैं, इसकी ये जो इसके ऊपर स्किन है ये किसको जाहिर करती है, आपकी बायोस्फीयर को। ऐसे ही है बायोस्फीयर, जमीन के लिहाज से इतनी एक्सटेंड फैली हुई है, ठीक है जी। तो ये थे आपके इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, किस तरह जो है कैसे फैला होता है। अब बायोस्फीयर से आगे बेशक ऑर्गेनिज्म तक, या ऑर्गेनिज्म से किसकी तरफ चले जाएं, किसकी तरफ जी, बायोस्फीयर की तरफ, दिस इज नोन एज लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कितने जुज हैं। तो देयर आर टू बेसिक पार्ट्स, नंबर वन इज बायोटिक एंड नंबर टू इज एबायोटिक। मैंने बताया बायोटिक को क्या कहते हैं, लिविंग, और एबायोटिक किसको कहते हैं जी, नॉन लिविंग को। यू आर स्टडी नॉन लिविंग, जैसे वाटर, एयर, हीट एटसेट्रा, टेम्परेचर, ठीक है जी, एंड मैनी अदर थिंग्स विच हैव नो लाइफ, जिनके पास कोई लाइफ नहीं है, जैसे सॉयल, सॉयल इंपोर्टेंट है, मट्टी, ठीक है जी। अब देखो जी ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं। ये जो बायोटिक है इसके अंदर आगे मेजर फिर थ्री ग्रुप्स हैं। पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा जो कंज्यूमर, एंड सेकंड डीकंपोजर। अब प्रोड्यूसर क्या है भाई, प्रोड्यूसर के अंदर जो पार्ट आता है वो आता है जी प्लांट्स का, और प्लांट लाइक जैसे एल्गी वगैरह, ठीक है जी, जैसे साइनो बैक्टीरिया वगैरह, वो वाले जानदार जो क्या करते हैं जी, जिनके पास खूबी है कि वो खुराक तैयार कर सके, कैसे तैयार कर सके, इन ऑर्गेनिक से किसको क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, वो ऑर्गेनिक्स, ठीक है, जैसे फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। इनमें मेजर ग्रुप आता है प्लांट्स का, प्लांट लाइक्स, यहीं से आपका आगे जो है चेंज शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन कंज्यूम, टू कंज्यूम, टू कंज्यूम मीन के जो खुराक अपनी खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों के इंतजार करते हैं, इनको हेटरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रोड्यूसर है इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ मीन ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी मजीद थ्री कैटेगरीज है, वन टू थ्री। अब देखो ये सबसे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। भाई ये प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो डायरेक्ट किसको खाता है जी, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है जी। और जो प्रोड्यूसर को खाए इसका सेकेंडरी नेम जो है उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं, ठीक है, वोरस जो किसको खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गोट होगी आपकी, ठीक है, आपकी कौ होगी एटसेट्रा। ये वो वाले कंज्यूमर है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको खाना है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर को खाना है, उनको हम बोलते हैं जी प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी नेम इनका क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। आगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई, उन्होंने खाना होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, ठीक है, यानी हर्बी वोवर्स को, ठीक है। अब हर्बी वोवर्स को खाना होता है तो इनके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल भी किया जाता है, प्राइमरी कार्निवोवर्स। कार्निवोवर्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं गोश्त कोर, ये सब्जी कोर, वो गोश्त कोर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या खाना होता है, गोश्त, ठीक है, गोश्त के अलावा और चीज कोई नहीं खानी होती। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे आपकी लाइन डॉग, ठीक है जी, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर जो है इनका काम क्या है, इन्होंने खाना होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, ठीक है, और ये टॉप ऑफ होते हैं जी, टॉप ऑफ,
द कंज्यूमर्स, मतलब इसके अंदर लायन वगैरह आ जाता है, ठीक है जी, आपका टाइगर वगैरह आ जाता है, जिन्होंने क्या खाना होता है जी आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, ठीक है, यानी के प्राइमरी कार्निवर्स को। इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, इन्होंने खाना होता है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर को, और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आपका सेकेंडरी कार्निवर्स, ठीक है जी। उसके अलावा एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होते हैं भाई, दे कैन ईट द फ्लैश, वो गोश्त भी खा सकते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा वो हर्बीवर्स को भी खा जाते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैन, इंसान, हम, हमाखोर। हमाखोर से क्या मतलब है भाई, जो दोनों चीजों को खा सकते हैं, ठीक है जी, समझे बात की। ये सारे के सारे क्या थे आपके, बायोटिक और ए बायोटिक लेवल, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ओके जी, थैंक।